हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बोल रहा है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। पहले तो मैं 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लेता हूँ। यहां से रेडियस मेजर कर ली मैंने 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो गया। अब ये बोल रहा है इससे 7 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, तो सेंटर से मैं 7 सेंटीमीटर दूर कर लेता हूं। सेंटर पे 7 रख लिया मैंने, ठीक है, ये इस तरीके से, और इससे दूर ले गया मैं ये, यहां से ये हो गया 7 सेंटीमीटर दूर एक इसका दूसरा पॉइंट, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं पी नाम रख देता हूं इसका, ठीक है। अब इस पॉइंट से ये बोल रहा है कि आपको सर्कल कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। इस पॉइंट से इसके टेंजेंट वो करने हैं हमारे को, ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो देखो आप कैसे करोगे इसको, यहां से डायरेक्ट मैच कर सकते हो लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस सर्कल का मिड पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, मिड पार्ट निकाल लेते हैं जो थोड़ा सिंपल होगा, ठीक, थोड़ा सा ज्यादा खोल लेते हैं, और यहां से इस पॉइंट से, अब हमारी इस लाइन का सेंटर आ गया इस तरीके से हम देखेंगे, तो ये आ गया इसका सेंटर यहां पे, सॉरी। अब इस सेंटर से आप एक सर्कल बना दोगे, ठीक है, इस तरीके से। अब जहां जहां पे ये सर्कल टच कर रहा है वहां पे आप दो लाइन बना दो, तो ये आपके एक्यूरेट टेंजेंट हो जाएंगे। एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने भेजा था और वो नाराज हो गया कि आप सोल्व नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये एक्यूरेट बताना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ये करके ही दिखाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा मैं डिले हो गया। तो देख लीजिए आपको समझ में आ गया होगा, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। पहले हमने 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया, फिर बोल रहा है कि उससे 7 सेंटीमीटर दूर, 7 सेंटीमीटर दूर सेंटर से, 7 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट बनाने हैं। तो हमने क्या किया, इस 7 सेंटीमीटर वाली लाइन का मिड पॉइंट ढूंढ के एक सर्कल बनाया, और जहां पे सर्कल टच कर रहा है वहां से दो टेंजेंट हमने बना दिए। तो इस तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है, और कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो आप लिख लेना अपने हिसाब से, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले अच्छे से।